गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, अपन माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में जो मुख्य बिंदुएं हैं वो मैंने आपको बताई थी। फिर अपन ने माइटोसिस को दो प्रावस्थाओं में बांटा था, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर केंद्रक विभाजन की चार प्रावस्थाएं मैंने आपको बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आज इन चारों प्रावस्थाओं को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें प्रोफेज। प्रोफेज ठीक है। अब इस प्रोफेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो प्रोफेज में सबसे पहली बिंदु आपको ध्यान रखनी है समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था, ठीक है, प्रोफेज अवस्था है ये समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। क्लियर बात। दूसरी बात, इंटरफेज में अपन ने देखा था गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं, इंटरफेज में क्रोमेटिन रेशे पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्रोमेटिन रेशे संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्रोमेटिन रेशे संगठित होकर क्या बनाएंगे, गुणसूत्र। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, क्रोमेटिन रेशे संगठित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्लियर बात। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जो तारक केंद्र है, तारक केंद्र, एक जो तारक लाए होता है उसमें दो तारक केंद्र होते हैं, या इनको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियो। तारक केंद्र या सेंट्रियो, ये क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन। ठीक है, तारक केंद्र या सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है इसमें, तर्कु तंतु या जिसको अपन बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, तर्कु तंतुओं का निर्माण। ठीक है, इस प्रावस्था में क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखना ये समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। क्रोमेटिन रेशे संगठित होकर के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। तारक केंद्र या सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और एक विशेष बिंदु और ध्यान रखना है, वो क्या, कि प्रोफेज के अंत में, प्रोफेज के अंत में क्या क्या विलुप्त होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो प्रोफेज के अंत में ईआर, गोल्जी का, केंद्रक झिल्ली व
केंद्रिका। क्या होंगी इनका, ये सब विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज के अंत में ईआर, गोलजीकार, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। क्लियर बात। अब देखो इसको अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो ये अपन ने क्या बनाई है कि कोशिका, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक, और पहले विभाजन किसका हो रहा है, केंद्रक का। किसका हो रहा है, केंद्रक का। तो यहां पर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर के क्या बना रहे हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्रोमेटिन कितने होंगे, तो गुणसूत्र में क्रोमेटिन की संख्या दो होती है। तो अपन ने ये क्या बना दिए यहां पर, गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सेंट्रियोल। मैंने बताया था एक जो सेंट्रोल तारकाय होता है, एक तारकाय में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण हो जाता है, तो इन सेंट्रियोल से क्या बनते हैं, तर्कु तंतु। तो तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। यहां पर ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड है और दो क्रोमेटिड को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये तो बात किसकी हो गई है, प्रोफेज की। क्लियर बात। अब देखो इसके बाद प्रोफेज के बाद अगली प्रावस्था कौन सी आती है, मेटाफेज। अब देखो ये मेटाफेज अवस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मेटाफेज, तो केंद्रक झिल्ली के विलुप्त होते ही कौन सी प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, मेटाफेज। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, मेटाफेज कब प्रारंभ होगी, तो केंद्रक झिल्ली के विलुप्त होते ही। जैसे ही केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती है, मेटाफेज अवस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ। ठीक है, दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इस मेटाफेज प्रावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित होते हैं। सर्वाधिक संघनित होते हैं। सर्वाधिक संघनित होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रोफेज में उतने स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन मेटाफेज में
गुणसूत्रों में सर्वाधिक संघनन होता है, जिसके कारण गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त होगी? ध्यान रखना, मेटाफेज। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है। तो गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किस अवस्था में किया जाएगा? मेटाफेज प्रावस्था में। ठीक है, तो गुणसूत्र यहां पर क्या होते हैं? सर्वाधिक संघनित होते हैं। सर्वाधिक संघनित होते हैं, आता है इस अवस्था में, आता है इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किस अवस्था में होगा? मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, अब देखो ये अपन ने क्या बनाई, एक कोशिका। ठीक है, कोशिका में किसकी बात कर रहे हैं अपन? केंद्रक विभाजन की। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रक विभाजन की। ठीक है, अब देखो ये यहां पर क्या, सॉरी, प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी? विलोप। केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी? विलुप्त तो हो गई थी। ये क्या है? दो सेंट्रियोल जो विपरीत दूरों पर स्थित है। ठीक है, अब इस प्रावस्था में देखो जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या है? एक मेटाफेज प्लेट, और इस मेटाफेज प्लेट पर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। यहां पर गुणसूत्र क्या होंगे? सर्वाधिक स्पष्ट, इसीलिए गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए ये क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। ठीक है, ये क्या है? तर्कु तंतु। और तर्कु तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर भाग से जुड़ते हैं। तर्कु तंतु कहां जुड़ेंगे? गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर भाग से। देखो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का क्या हो गया? सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के चारों ओर, सेंट्रोमियर के चारों ओर प्रोटीन की एक वलय पाई जाती है। इस प्रोटीन की वलय को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, तो जितने क्रोमेटिड होंगे उतने ही काइनेटोकोर गुणसूत्र में पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में यदि दो क्रोमेटिड हैं
तो काइनेटोकोर की संख्या भी कितनी होगी, दो। और यदि ए गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड है तो काइनेटोकोर की संख्या कितनी होगी, एक। यहां पर मेटाफेज में क्रोमेटिड कितने हैं, दो। कितने हैं, दो, ठीक है। तो इस काइनेटोकोर की संख्या भी कितनी हो जाएगी, दो। क्लियर बात। अब देखो जो तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु गुणसूत्रों के किस भाग से जुड़ते हैं, तो ध्यान रखना तर्कु तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। क्लियर बात। तो यहां पर गुणसूत्र गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित। अब देखो सबसे पहले जो तारक काय होता है, इस तारक काय से किसका निर्माण होगा, सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूब्यूल। तारक काय से किसका निर्माण होता है, सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल है इनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, इनमें क्या होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। दूसरी बात जो तारक काय है, इस तारक काय से किसका निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु। तो देखो ये जो तर्कु तंतु है, ये इन तर्कु तंतुओं का निर्माण किससे होता है, तारक काय से। किससे होता है, तारक काय से, ठीक है। तर्कु तंतुओं में भी क्या मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना एक तो होती है इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और आरएनए। स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु किस कौन सी प्रोटीन से या किससे बने होते हैं, तो ध्यान रखना ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है और 3% आरएनए होता है। यानी जो तर्कु तंतु हैं, इन तर्कु तंतुओं का निर्माण तो किससे होगा, तारक काय से। ये बने किसके होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और आरएनए के। क्लियर बात। तर्कु तंतुओं का निर्माण तो किससे होगा, तारक काय से। ये बने किससे होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और आरएनए से, ठीक है। फिर इस तारक काय से, इसे तारक काय से एस्ट्रल रेज या जिसको बोलते हैं तारक किरणों का निर्माण होता है। एस्ट्रल रेज, ठीक है, तारक किरणों का निर्माण होता है। ये जो संरचनाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, तारक किरणें, ठीक है। तो देखो तर्कु तंतुओं का निर्माण किससे हुआ, तारक काय से। बने किसके होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और आरएनए के। तारक किरणों का निर्माण किससे होगा, तारक काय से, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये अपने एक चीज देखो, और वो क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता तो फिर तर्कु तंतु होते हैं कि नहीं, होते हैं। पादप कोशिकाओं में भी तर्कु तंतु पाए जाते हैं या तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, सूक्ष्म नलिकाएं। क्या मिलेगी, सूक्ष्म नलिकाएं। तो इन सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में तारक किरणें या एस्ट्रल रेज होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं। और
पादपों को इनकी जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो जो तारक किरणें होती हैं, ये तारक किरणें क्या करती हैं? तो ये ध्यान रखना, तारक किरणें कोशिका के आकार को स्थायी रखने में मदद करती है। तारक किरणें कोशिका के आकार को स्थायी रखने में मदद करती है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कोशिका के आकार को क्या करती है, स्थायी रखने का काम करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो वहां पर ये तारक किरणें कोशिका के आकार को स्थायी रखने में सहायता करती है। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको इसमें ध्यान रखना है, केंद्रक झिल्ली के विलुप्त होते ही मेटाफेज अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस प्रावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित होते हैं, अतः इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था कौन सी होगी, मेटाफेज। तीसरा बिंदु इसमें क्या ध्यान रखना है, जो तर्पु तंतु होते हैं यानी मेटाफेज में तर्पु तंतु का बहुलीकरण होता है। यानी तर्पु तंतुओं का निर्माण तो कहां प्रारंभ हो जाएगा, प्रोफेज में, और निर्माण कंप्लीट कहां पर हो जाएगा, मेटाफेज में। तो इस मेटाफेज में क्या हो जाएगा, तर्पु तंतुओं का बहुलीकरण। अगले बिंदु क्या ध्यान रखनी है, सभी गुणसूत्र मध्य में मेटाफेज पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्लियर बात? तो देखो, ये चार बिंदु हैं जो आपको यहां विशेष ध्यान रखने हैं। ठीक है, तर्पु तंतुओं का बहुलीकरण, गुणसूत्र मेटाफेज पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या है, यही मेटाफेज पट्टी है, मेटाफेज पट्टी। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई है। सूक्ष्म नलिकाएं क्या बनाती है, तारकाएं, तारकाएं से क्या बनेंगे, तर्पु तंतु और तारक किरणें। तारक किरणें पादप कोशिकाओं में नहीं होती है, इनका कार्य क्या है, तो ये कोशिका को स्थायी रखने में सहायता करती है। क्लियर बात? अब देखो, मेटाफेज में जो गुणसूत्र है मेटाफेज पट्टी पर व्यवस्थित होते हैं, और जो ये तर्पु तंतु है ये इन गुणसूत्रों के किस भाग से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर भाग से जुड़ते हैं। काइनेटोकोर क्या है, तो सेंट्रोमियर के चारों ओर एक प्रोटीन की वलय होती है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से क्या जुड़ते हैं, तर्पु तंतु जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात किसकी हो गई, मेटाफेज की। अब मेटाफेज के बाद अगली प्रावस्था कौन सी आएगी, एनाफेज। अब देखो, मेटाफेज के बाद तीसरी अवस्था आती है एनाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में अपन ने क्या देखा था, गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित
हो जाते हैं, ठीक है, मध्य में मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखो, पहले देखो एक चीज, ये अपन ने क्या बनाया, एक गुणसूत्र, ठीक है। एनाफेज अवस्था में क्रोमेटिन कितने होंगे, दो। अब देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था ये क्या पाए जाते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है, और इन काइनेटोकोर से कौन जोड़ते हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर या तर्पु तंतु जोड़ते हैं, ठीक है। मेटाफेज में पढ़ने क्या देखा था, जो काइनेटोकोर होते हैं या सेंट्रोमियर के चारों ओर जो वल्ले होती है उससे तर्पु तंतु या स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचेंगे। ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। क्लियर बात। अब देखो, जो ऊपर वाले तर्पु तंतु हैं, ये गुणसूत्रों को ऊपर की ओर खींचेंगे और ये तर्पु तंतु गुणसूत्रों को नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो इस खिंचाव के कारण ये जो गुणसूत्र होते हैं, इस खिंचाव के कारण सेंट्रोमियर का क्या हो जाएगा, विघटन, सेंट्रोमियर का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, यानी सेंट्रोमियर विघटित हो जाएगा। तो एक क्रोमेटिन ऊपर की ओर और एक क्रोमेटिन नीचे की ओर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो ध्यान रखना, एनाफेज अवस्था में क्या होता है, सेंट्रोमियर का विघटन होता है। क्लियर बात। यानी जो तर्पु तंतु होते हैं ये एनाफेज अवस्था में क्या करेंगे, ऊपर के तर्पु तंतु सेंट्रोमियर या गुणसूत्रों को ऊपर की ओर खींचेंगे और ये इसको नीचे की ओर खींचेंगे, जिसके कारण इस सेंट्रोमियर का विघटन हो जाता है। तो सेंट्रोमियर का विघटन किस प्रावस्था में होगा, एनाफेज प्रावस्था में। इस सेंट्रोमियर के विघटन के कारण सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज अवस्था में आपको ध्यान रखना है, एनाफेज अवस्था में क्या होगा, सेंट्रोमियर का विघटन होता है तथा सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे। जैसे ही सेंट्रोमियर का विघटन होगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग, ठीक है। अब देखो, यह है जीवन एस जी टू और अपन बात करते हैं एनाफेज, ठीक है। जीवन प्रावस्था में एक ही क्रोमेटिड था, एक ही गुणसूत्र, एक ही क्रोमेटिड था। गुणसूत्र कैसा,
क्या था? टोसी। एस प्रावस्था में क्या हुआ? इसका रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या हुआ? रेप्लिकेशन। तो क्या बन गए? सिस्टर क्रोमेटिड। यानी गुणसूत्र तो क्या है? टू है, लेकिन क्रोमेटिड क्या हो गए? फोर सी। डीएनए की मात्रा क्या हो गई? डबल। ठीक है, यही कंडीशन यहां रहेगी। गुणसूत्र तो क्या होगा? टू है, और क्रोमेटिड क्या होंगे? फोर सी। अब देखो इसे एनाफेज में, इसे एनाफेज में सेंट्रोमियर का क्या हुआ? विघटन। सेंट्रोमियर का क्या हुआ? विघटन हुआ। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग कहां होंगे या सेंट्रोमियर का विभाजन कहां होगा? एनाफेज अवस्था में। क्लियर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अगली प्रावस्था। एनाफेज के बाद अगली प्रावस्था कौन सी आती है? टीलोकेज। नंबर चार, टीलोफेज। ठीक है, अब देखो टीलोफेज, एक चीज ध्यान रखना, तो जो टीलोफेज है ये प्रोफेज की विपरीत होती है। टीलोफेज प्रावस्था प्रोफेज प्रावस्था के विपरीत होती है। यानी प्रोफेज प्रावस्था में जो हुआ था उसका यहां पर क्या कर देंगे? अपने उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी बॉडी प्रोफेज में विलुप्त हो गए थे, और यहां पर क्या होगा? तो यहां पर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी का पुनः निर्मित हो जाते हैं। क्या होगा यहां पर? तो देखो पहली बात, गुणसूत्र असंगनित होकर टीलोफेज के अंत में गुणसूत्र असंगनित होकर क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन रेसी। क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन रेसिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर व गोल्जी का पुनः निर्मित हो जाते हैं। पुनः निर्मित हो जाते हैं। तो ये प्रावस्था क्या हो गई? प्रोफेज की उल्टी। वहां पर क्या हो रहा था? गुणसूत्र संगणित होकर के, सॉरी, क्रोमेटिन रेसे संगणित होकर के गुणसूत्र बना रहे थे, और यहां पर क्या हो रहा है? गुणसूत्र वापस असंगणित होकर के क्रोमेटिन रेसे बनाते हैं। वहां पर ये सब विलुप्त हो रहे थे, और यहां पर ये क्या हो रहे हैं? पुनः निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रावस्था में क्या होगा? इस प्रावस्था में जो केंद्रक है या गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
ठीक है, गुणसूत्र क्या होंगे, विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित, और इनके चारों ओर किसका निर्माण हो जाएगा, झिल्ली का, केंद्रीय का या राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, तो टेलोफेज अवस्था में कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक। अब देखो एक बार एक चार्ट के द्वारा इन चारों को मैं वापस क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपन बात करें जीवन, उसके बाद एस, उसके बाद जी टू के बाद प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, और फिर टीलोफेज। ठीक है, ये अवस्थाएं अपन ने अभी तक पढ़ी। तो देखो जीवन प्रावस्था, ये कोई सेल है, ठीक है, जीवन प्रावस्था में एक ही गुणसूत्र होगा और एक ही क्या होगा, क्रोमेटिड। ठीक है, तो गुणसूत्र 2N होते हैं, क्रोमेटिड भी क्या होंगे, 2C। क्लियर। इसके बाद एस प्रावस्था में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, एस प्रावस्था में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब सिस्ट क्रोमेटिड का निर्माण होगा। तो ये क्या बन गए, सिस्ट क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र तो क्या होंगे, यहां पर भी 2N होंगे, लेकिन क्रोमेटिड क्या हो जाएगा, 4C। क्या हो जाएगा, 4C। यहां पर भी सेम यही अवस्था होगी, गुणसूत्र 2N होंगे और क्रोमेटिड 4C हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज में भी यही होंगे, गुणसूत्र 2N और क्रोमेटिड 4C होंगे। मेटाफेज में भी सेम यही रहेंगे, गुणसूत्र 2N और क्रोमेटिड 4C। अब एनाफेज में देखो, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर का विभाजन। एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर का विभाजन। सेंट्रोमियर का विभाजन होगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, पृथक। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, यानी ये 2N 2C हो जाएगा और ये भी 2N 2C हो जाएगा। ठीक है, अब टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग दोनों पर पहुंच जाएंगे और इनके चारों ओर झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, यानी दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। और यहां पर दो केंद्रक बनेंगे जिनमें गुणसूत्र कैसे होंगे, 2N और 2C। ठीक है, ये देखो अपन ने सारी प्रावस्थाओं को एक चार्ट के द्वारा यहां पर देखा है। अब मैंने आपको बता दिया था ये जीवन एस और जी2 ये कौन सी अवस्था है, इंटरफेज, और इंटरफेज में आपको पता है गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशो के रूप में पाए जाते हैं। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर बताया है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा स्पष्ट गुणसूत्र कहां दिखेंगे, मेटाफेज में, इसलिए मेटाफेज में
गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। तो गुणसूत्रों की आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था कौन सी होगी? ध्यान रखना, मेटाफेज। ठीक है, ये अपन ने पूरी संरचना वापस देख ली है। ठीक है, ये हो गया केंद्रक विभाजन। ठीक है, माइटोसिस का पहला चरण कौन सा था? केंद्रक विभाजन। अब केंद्रक विभाजन के बाद अपन क्या देखेंगे? दूसरा चरण, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखो, दूसरा चरण है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। पहला क्वेश्चन कि कोशिका द्रव्य विभाजन कब प्रारंभ होता है? ठीक है, आप सोचोगे टेलोफेज के बाद, लेकिन ध्यान रखना जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है ये लेट एनाफेज में प्रारंभ हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन लेट एनाफेज में प्रारंभ हो जाता है। लेट एनाफेज मतलब एनाफेज के अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो कोशिका द्रव्य विभाजन है ये जंतुओं में अलग प्रकार से होता है और पादपों में अलग प्रकार से होता है, तो अपन इनको अलग अलग देखेंगे। यानी एनिमल्स में अलग प्रकार से होता है और प्लांट्स में अलग प्रकार से होता है। तो अपन देखेंगे जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन किस प्रकार होता है और पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें जंतुओं में, तो जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन विदलन या खाँच विधि के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन खाँच या विदलन विधि द्वारा होता है और पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन है कोशिका पट्टी या सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच या विदलन विधि द्वारा होता है। खांच या विदलन विधि द्वारा होता है, ठीक है, और पादपों में सेल प्लेट या कोशिका पट्टी द्वारा होता है। तो एक तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि से? खांच या विदलन विधि से। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि से होगा? कोशिका पट्टी या सेल प्लेट विधि से। अब देखो, जैसे ये अपन ने एक सेल ली, ठीक है, इस सेल में दो केंद्रक बन गए। एनाफेज में क्या होता है? दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब देखो, दो केंद्रक बनते हैं, दोनों केंद्रकों के बीच एक संकुचन वलय बढ़ती है। दोनों केंद्रकों के बीच क्या बढ़ती है? संकुचन वलय। ये जो संकुचन वलय होती है ये सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट की बनी होती है।
संकोचन वलय किसकी बनी होती है? सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट की। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म वलय है या संकोचन वलय है, ये इस प्लाज्मा झिल्ली को, ये संकोचन वलय इस प्लाज्मा झिल्ली को अंदर की ओर खींचती है। किधर खींचेगी? अंदर की ओर। इस प्रकार ये वलय प्लाज्मा झिल्ली को अंदर की ओर खींचती है और सेल दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। धीरे धीरे क्या करेगी, इसको अंदर की ओर खींचती रहेगी। ठीक है, और एक कंडीशन क्या बन जाएगी, एक कोशिका ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, एक कोशिका ये बढ़ जाएगी। इस प्रकार इस विदलन या खांच विधि के द्वारा जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, संकुचनशील वलय है ये सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट की बनी होती है और ये कोशिका झिल्ली को अंदर की ओर खींचने का काम करती है, जिससे अंदर की ओर झिल्ली बढ़ जाती है और दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये तो बात इसलिए हो गई जंतुओं में। ठीक है, अब अपन बात करें पादपों में, तो पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि से होगा? सेल प्लेट मेथड या कोशिका पट्टी के द्वारा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान रखना, यहां पर प्लाज्मा झिल्ली संकुचित होती है लेकिन पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली संकुचित नहीं होती। क्यों? तो पादपों में प्लाज्मा झिल्ली संकुचित नहीं होती, संकुचित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जो झिल्ली को संकुचित नहीं होने देती है। क्लियर बात? अब पादपों में कोशिका झिल्ली संकुचित नहीं होती है तो इसमें क्या होगा, पादपों के जो कोशिका है इसके मध्य में तर्पु तंतु एकत्रित होते हैं। देखो अपन यहां पर क्या बना रहे हैं, एक पादप से ये क्या बना दिया अपन ने, एक पादप से। अब पादपों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, पादपों में क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति। और जंतुओं में ये कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, यहां पर दो क्या पाए जाते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो यहां पर संकुचन वलय बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली संकुचित नहीं होती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो जो पादप कोशिका है इसके मध्य में क्या होगा, तर्पु तंतु एकत्रित होंगे। मध्य में क्या होंगे, तर्पु तंतु एकत्रित होते हैं और गोल्जी काय के द्वारा कुछ पदार्थों का स्राव होता है। ठीक है, गोल्जी काय के द्वारा क्या होता है, कुछ पदार्थों का स्राव होता है। इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट में क्या है, तर्पु तंतु और गोल्जी बॉडी के द्वारा स्रावित पदार्थ है। फ्रेगमोप्लास्ट में क्या है, तो फ्रेगमोप्लास्ट में तर्पु तंतु और गोल्जी बॉडी के द्वारा स्रावित पदार्थ है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट।
ठीक है, ये फ्रेगमोप्लास्ट है। फ्रेगमोप्लास्ट किसका निर्माण करेंगे? तो फ्रेगमोप्लास्ट कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या करेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो केंद्र से किधर है? परिधि की ओर, यानी धीरे धीरे केंद्र से परिधि की ओर क्या बढ़ जाएंगे? फ्रेगमोप्लास्ट। और इस प्रकार जो पादप कोशिका है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्लियर बात? तो दो पादप कोशिकाओं के मध्य कौन सी भित्ति मिलेगी आपको? मध्य पटलिका। याद करो, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट किसमें मिलेंगे? मध्य पटलिका में। क्लियर बात? ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है यहां पर? पादपों में कोशिका का विभाजन, ठीक है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, जो जंतु कोशिका है इसमें विभाजन या कोशिका झिल्ली, जो कोशिका है वो बाहर से अंदर की ओर विभाजित होती है, और पादपों में जो कोशिका है वो अंदर से बाहर की ओर विभाजित होती है। इधर तो देखो झिल्ली कहां जाएगी? बाहर से अंदर की ओर। इधर जो ये भित्ति बनेगी ये मध्य से किधर बनेगी? परिधि की ओर। तो इस प्रकार क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। आपको ये विधि मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। जंतुओं में तो खांच या विदलन द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, और पादपों में सेल प्लेट या कोशिका पट्टी द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है।